दोस्तों हमारे व्यूवर्स के, हमारे यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि यार हम वीडियो बहुत अच्छे खासे बनाते हैं लेकिन उसके अंदर व्यूज इतने ज्यादा नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं या फिर ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको यहाँ पर एनेबल करने से हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियो के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो का देखते रहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी 5 या 6 सेटिंग्स के बारे में जिनको अगर आप अपने चैनल पर करते हैं फॉलो, तो भैया मेरी ये गारंटी है कि आपके चैनल के अंदर भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हमें जो वीडियो हम जो बनाते हैं वो सबसे पहले तो ट्रेंडिंग पॉइंट होना चाहिए, वहां पे जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है वो होना चाहिए। सपोज आपको टेक्नोलॉजी का चैनल है आपका, तो जो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में अभी न्यूली आई है या फिर आने वाली है हमें वैसे ही वहां पे वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जो टेक्नोलॉजी आई थी कुछ 2 साल पहले, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, भैया जो जियो फोन था वो 2 साल पहले आया था, 3 साल पहले आया था और हम वीडियो बना रहे हैं उसकी अब, तो वो भैया वीडियो यहाँ पे काम नहीं करने वाली है या फिर थोड़ी कम काम करने वाली है। तो हमें सबसे पहली चीज तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ट्रेंडिंग पॉइंट जो हमारे चल रहे हैं अभी हमें उन पर वीडियो यहाँ पे बनानी चाहिए। अगला जो एक टिप है मेरी तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे वीडियो का जो टाइटल होता है वो थोड़ा सा रियल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई टाइटल में कुछ और है वीडियो में कुछ और है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब जेन्युइन टाइटल और एक ऐसा टाइटल जो कि काफी अट्रैक्टिव हो, जैसे मतलब एक सिंपल टाइटल हो, बात को घुमा फिरा के नहीं करे वहां पे, और एग्जैक्ट टाइटल हो, तो वो काफी यहाँ पे हेल्प करता है। और अब आप डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें वो चीज लिखनी चाहिए जो उस वीडियो के अंदर बताई गई है। सपोज मैं अगर किसी एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो मैं उसके अंदर सिंपल लिखूंगा कि भैया ये फोन है और इसके अंदर आपको ये सब मिलता है और बस खत्म, थैंक यू करके और डिस्क्रिप्शन को खत्म। वहां पर मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे मेन चीज जो यहाँ पे काम आती है, 2 चीजें यहाँ पर मेन है जो आपके व्यूज को यहाँ पे बढ़ाती है। तो सबसे पहली चीज तो है यहाँ पे थंबनेल। आप जो थंबनेल बना रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा HD में होना चाहिए और जो फोटो आप जो यूज करते हैं थंबनेल के अंदर वो HD में होनी चाहिए और एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जिसका आपने वहां पे वीडियो बनाया है। सपोज मैं बना रहा हूँ आईफोन का कोई, मैंने मान लो कोई वीडियो बनाया है और मैंने मतलब थंबनेल पे दिखा दिया बहुत अच्छा खासा एक आईफोन, लेकिन वीडियो के अंदर था कुछ और, तो यहाँ पर क्या होगा कि उस वीडियो पर तो आपके व्यू आ गए वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका जो ट्रस्ट बेस है वो यहाँ पे व्यूवर्स का खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है वहाँ पर व्यू नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल कंटेंट यूज करते हैं, वही थंबनेल लगाते हैं जो थंबनेल एक्चुअल में वीडियो का है, तो यहाँ पर जो है जो व्यूवर्स का जो एक रिटेंशन है वो काफी यहाँ पे अच्छा बन गया आता है। और अगर आप थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, ये जरूरी नहीं है, देखो एग्जैक्ट तो वहां पे होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव हो कि जिसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोग उस लिंक को ओपन करें, आपके वीडियो को ओपन करें और उन्हें मतलब काफी 90% 100% थोड़ी बहुत जानकारी वहां से मिल जाए, तो यहाँ पर आपका जो व्यूवर्स का जो रिटेंशन है वो काफी वहां पे अच्छा मिलेगा। और जो एक मेन पॉइंट है वो आती है यहाँ पर टैक्स। दोस्तों जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है टैग्स का, यहाँ पर हमें टैग लगाने चाहिए। सपोज मैं किसी का अगर एग्जांपल लेता हूँ, आप एक जो न्यूली फोन आया वीवो V15 Pro, मैंने उस पर अगर वीडियो बनाई है तो वहां पर जो टैग्स है, सबसे पहले तो आपको 2 टैग तो अपने चैनल के लगाने हैं। जैसे मेरा चैनल है एंड्रॉइड गुरुजी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एंड्रॉइड गुरुजी और एंड्रॉइड गुरुजी दीपक स्वामी जो मेरा नेम है, मतलब 2 तो ये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड आपको वहां पे टैग्स लगाने हैं। जैसे कि वीवो का फोन है तो वहां पे लिख दिया मैंने वीवो V15 Pro प्राइस डेट लॉन्च डेट, मतलब बहुत सारे वहां पर ऐसे टैग लगाए, लेकिन उसके सिमिलर टैग मैं आपको बता दूं, जैसे वीवो का फोन है लेकिन आप वहां पर लगा रहे हो ओप्पो के, नोकिया के, सैमसंग के बहुत सारे टैग्स, तो यहाँ पर यूट्यूब भी थोड़ा सा मतलब जो यूट्यूब का सिस्टम है वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि आपने वीडियो बनाई किसको लेके, आपने बनाई है वीडियो वीवो पे या ओप्पो पे या सैमसंग पे, क्योंकि जो व्यूज है वो 3 चीजों पे 4 चीजों पे डिपेंड करते हैं, 3 और 4 चीजों पे। देखो 3 चीज तो यहाँ पर होती है प्राइमरी और 4थी चीज होती है सेकेंडरी। देखो 3 चीजें तो ये हो गई यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, और जो 4थी चीज है वो यहाँ पे हो गया आपका थंबनेल। तो यहाँ पर जो चारों चीजें हैं वो चारों चीजें जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। और अगर एक सेटिंग की मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे हैशटैग की, तो आपने कुछ वीडियोस देखी होगी जहां पर टाइटल के ऊपर हैशटैग होता है, वो कहां से आता है, वो आपको क्या करना है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां पर सबसे लास्ट में आपको हैशटैग करके आपको लिखने हैं कुछ कीवर्ड्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कीवर्ड है वो वहां पर जेन्युइन होना चाहिए, वहां पर 1% भी अगर ऊपर नीचे आप वहां पर कुछ भी करते हैं अलग से कोई सेटिंग, तो यहां पर आपका चैनल हो सकता है ब्लॉग। तो यहां पर सपोज जैसे कि आपने वीडियो बनाई है रियलमी की, तो यहां पर आप 3 हैशटैग यूज कर सकते हैं और मतलब उनसे रिलेटेड होना चाहिए, रियलमी, रियलमी इंडिया, रियलमी प्राइस, मतलब उनसे रिलेटेड। लेकिन अगर आप करते हैं कुछ भी मतलब हैशटैग जो चीज है वो काफी आपके वीडियो को ऊपर भी ले जा सकती है, और अगर आप गलत हैशटैग का यूज करते हैं तो आपकी वीडियो काफी नीचे भी ले जा सकती है।
दोस्तों ये थे कुछ सेटिंग्स जहां पर आप अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि देखो मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कर देता हूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेनली चार और पांच चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है थंबनेल, फिर आता है टाइटल, फिर आता है डिस्क्रिप्शन, फिर टेक्स्ट और उसके बाद में हैशटैग। अगर आप इन सेटिंग्स को करते हैं अपने वीडियो के अंदर अपलोड के वक्त यूज, तो मान के चलिए कि आपके वीडियो के अंदर भी काफी अच्छे खासे व्यूज यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जहां पर मैंने कोशिश की कि आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो यहां पर लाइक के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंड्रॉइड और टेक्नोलॉजी की वीडियो डेली लेकर आता रहता हूं।